परियोजना बलेटा की सफलता की कहानी योजना से पहले और लिफ्ट सिंचाई योजना के बाद किसानों की आय की स्थिति को दर्शाती है। बलेटा में उपरियोजना ग्राम पंचायत सनाही तहसील और जिला हमीरपुर के अंतर्गत गांव बलेटा में स्थित है, जिसमें सीसीए 5.41 हेक्टेयर है। बलेटा गांव में खेती आय का मुख्य स्रोत है, लेकिन पानी की अनुपलब्धता, तकनीकी ज्ञान, कृषि उपकरणों, कई तकनीकों और गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री की कमी के कारण किसान कम क्षेत्र में कृषि कर रहे थे और ज्यादातर अनाज वाली फसलें उगा रहे थे। सब्जी उत्पादन नाम मात्र था। उप परियोजना शुरू होने से पहले सब्जियों के तहत एक हेक्टेयर क्षेत्र रवि मौसम में था। उप परियोजना शुरू होने से पहले अनाज की उत्पादकता 16.518 हेक्टेयर और सब्जी की उत्पादकता 70 से 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी और किसानों की आय केवल 2,14,265 प्रति हेक्टेयर सालाना थी। जैका समर्थित हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना के अंतर्गत बलेटा गांव में 5.41 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा प्रदान की गई। 29.22 लाख रुपए खर्च हुए। किसानों के कृषि उत्पाद को खेतों से सड़क तक ले जाने के लिए एक सड़क का निर्माण किया गया, जिसमें 17.71 लाख रुपए खर्च हुए। इसके अतिरिक्त गांव में सब्जियों की नर्सरी व पौध की उपलब्धता हेतु 1.66 लाख में एक पॉली हाउस का निर्माण किया है एवं कुछ किसानों को पॉली टनल भी उपलब्ध करवाई गई है। गांव बलेटा के किसान सुनिश्चित सिंचाई व अन्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और अनाज वाली फसलों की जगह सब्जी उत्पादन को महत्व दे रहे हैं, जिससे किसानों को बाजार में अच्छे दाम मिल रहे हैं। सिंचाई सुविधा के साथ साथ किसानों के सब्जी उत्पादन में जागरूकता बढ़ाने के लिए परियोजना में किसानों को तकनीकी ज्ञान, कृषि उपकरणों, नई तकनीकों और गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री प्रदान की जा रही है। गांव में सब्जियों की नर्सरी व पौध की उपलब्धता हेतु एक पॉली हाउस का निर्माण किया है एवं कुछ किसानों को पॉली टनल भी उपलब्ध करवाई गई है। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना के अंतर्गत मिले तकनीकी ज्ञान, गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री और कृषि उपकरणों जैसे पावर वीडर, पावर टिलर, लहसुन प्लांटर्स इत्यादि के मिलने के उपरांत किसान दोबारा अपनी जमीन में भिंडी, टमाटर, खीरा, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, चुकंदर, फूलगोभी, बंद कुबे, ब्रोकली आदि सब्जियों की खेती की जा रही है। अब उप परियोजना बलेटा में लगभग संपूर्ण क्षेत्र सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाया जा चुका है और वर्ष 2019-20 में फसल संघनता 270% तक हो गई है। उप परियोजना शुरू होने से पहले अनाज की उत्पादकता 16.518 हेक्टेयर 18 हेक्टेयर से बढ़कर 30 हेक्टेयर और सब्जियों की उत्पादकता 70 से 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 180 से 200 हेक्टेयर और किसानों की आय केवल 2,14,265 हेक्टेयर सालाना से बढ़कर 8,40,592 प्रति हेक्टेयर हो गई है। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना के क्रियान्वयन के बाद किसानों की सब्जी की खेती में गहरी रुचि, प्रशिक्षण और प्रदर्शनों का प्रभाव ऐसा हुआ कि जो आंदोलन शुरू में कुछ किसानों द्वारा किया गया था, जो अब उसका फैलाव पूरे गांव में हो गया है। इस क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति बदल गई है, जो उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर में परिवर्तन से स्पष्ट नजर आती है। ये उप परियोजना अन्य उप परियोजनाओं को प्रेरित कर रही है, क्योंकि HPCDP जायका ODA से पहले गांव में पानी की उपलब्धता नहीं थी और अब किसान फसलों की खेती और पानी के उचित उपयोग का आनंद ले रहे हैं, जो अंततः किसान की आय में वृद्धि करता है। बलेटा गांव में जायका की स्कीम लगभग 2016 में शुरू हुई थी, तो इस ये 5.5 हेक्टर का एरिया था जहां पानी की सुविधा नहीं थी, तो यहां पानी की सुविधा दी गई। लोगों को पानी की सुविधा के साथ साथ एक पॉली हाउस, सब्जियां उगाने का प्रशिक्षण और कृषि यंत्र दिए गए और इन लोगों को यहां सब्जी के लिए प्रेरित किया गया। तो आज ये लोग जो पानी मिलने से पहले इनकी जो कृषि से आय थी वो लगभग बढ़कर यहाँ 5 गुना हो गई है। तो अब ये लोग भरपूर फायदा ले रहे हैं इसकी। मैं उन सारे बेरोजगार लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो बलेटा गांव के लोग हैं इनसे कुछ सीख लें। इन लोगों ने यहाँ लॉकडाउन में सब्जियों से, जब चारों तरफ मंदी का दौर था, तो इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया यहाँ से।
इनका प्याज जो है 30 रुपये घर से लोकल प्याज करके बिक गया है। ये जो एरिया है प्याज के लिए बहुत मशहूर है। मंडी में जो प्याज का रेट था जहाँ 10 रुपये था, तो इन लोगों का जो प्याज है यहीं से 25 और 30 रुपये बिका है। सर, यहाँ लगभग 50 साल से खेती की जाती थी पहले, पर कुछ टाइम से यहाँ बंद हो गई थी खेती करना, क्योंकि यहाँ जो वाटर लेवल था बहुत नीचे चला गया था, तो उसकी वजह से यहाँ ये जो भूमि थी बंजर हो चुकी थी। पर ये जायका वालों के आने से यहाँ ये संभव हो चुका है कि ये खेती द्वारा मतलब द्वारा फसल उगाने लायक हो गई। तो जब से ये जायका वाले ने इधर पानी की सुविधा की हुई है, तो फसल लगा सकते हैं हम, सब्जी वगैरह लग रही है खेतों में, तो काफ़ी इनकम आ रही है किसानों को। हम लोग खुद किसान नहीं कर रहे हैं इधर, तो ये जो खेती थी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, जहाँ बिल्कुल खेती करना संभव थी, तो अभी यहाँ सब लोग खेती मिलकर खेती कर रहे हैं। सर, लॉकडाउन का पीरियड में जो लोग बाहर काम करते थे, जैसे हमारे इधर तो 90% लोग खेती में ही निर्भर हैं, पर 10% जो लोग बाहर काम करते थे, उन लोगों ने भी यहाँ आके खेती की और अच्छा पैसा कमाया लॉकडाउन के टाइम में भी, क्योंकि लॉकडाउन में टाइम में उनको टमाटर वगैरह लगाने का मौका मिल गया, तो टमाटर का भाव इस बार 800, 1100, 1200, 1500 रुपये क्रेट गया, तो उन लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। तो वो भी लोग सोच रहे हैं कि यार खेती में तो हमारे नौकरी करने से अच्छा पैसा तो खेती में है। मतलब बिल्कुल सर, हमारे को फुल सुविधा दी जाती है, जब हमारे को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे को फुल सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे को कभी बीज की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे को अभी आलू चाहिए, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि हमारे को आलू चाहिए, तो वो प्रोवाइड करवा रहे हैं कहीं से आलू, क्योंकि आलू की बहुत ज़्यादा इस पर रेट है, तो ये लोग किसान आलू नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं से हमारे को आलू का बीज कुछ परसेंट के ऊपर दिला रहे हैं। सर, आपका? मेरा नाम है भागीरथ। भागीरथ जी, यहाँ पे जो है जमीन का पहले काफी बंजर थी। हाँ जी, हाँ जी। जो आप कह रहे हैं कि सोना उगल रही है, कैसे संभव हो पाया ये? बहुत अच्छा होया जी, तुसी सानू जैका दा खूह लगा दिया, इसमें पानी अच्छा आ रहा, तो पहले पानी की कमी थी, अब पानी बहुत भरपूर मिल रहा, इधर बहुत अच्छी सब्जी उग रही है।